और जीवन में ऐसा काम कल जा ताकि मरने के बाद भी आपके नम अमर रहे। नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में स्वागत बा। बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम में अगली बाटी राज कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ये कार्यक्रम आप हर एक एतवार के सोम के और हर एक दिन ऐसे ही कार्यक्रम आप देखा जला जिसमें हमन की समाज असल बनाने के लिए हमारे का करे परी और हमारे सफल हो जीवन में का करे परी तमानी क्षेत्र में और तमानी समुदाय के व्यक्ति से तमाने जन संस्था में आबद बाटी कौन भी सफल व्यक्ति चाहे एक समाजसेवी रहें या एक उद्योगपति व्यापारी या शिक्षक कौन भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर व्यक्ति से वहाँ से हमरे प्रत्यक्ष सहभागी करा के वहाँ की विचार आदान प्रदान कर जा ताकि हमरे भी वहाँ के क्षेत्र तक पुग मदद मिले और कौन भी क्षेत्र में अमन की सफलता प्राप्त करे के कितना मेहनत करे परी अमन की जीवन सफल बनाने के लिए अमन के का करे परी तमानी साधन और सूत्र के बारे में जानकारी दे कोशिश कर जात और ऐसे तमाने क्षेत्र में रहल व्यक्ति से हमरे वहाँ से बातचीत आज भी कल जी और आज विशेष की हमरे कुछ हमारे की समाज में जो एक राजनीतिक अनियोलता बा यानी कि हमन की समाज आज जहाँ तक पुगे हो पुगे नहीं सकले बा और एक ही हमरे का करे परी आज के हमन की समाज की आवश्यकता का बा जिससे कि आज तक हमरे हमन की जो हमन की समाज अपन फेस यानी कि अनुहार जहाँ तक फेरक सकना हो फिर एक नहीं सकले बा और हमरे कौन भी व्यक्ति के जो है अपन समाज निर्माण के लिए समाज विकास के लिए समाज के उत्थान के लिए समाज के जो फेस बा समाज के अनुहार बा परिवर्तन करे के लिए जो बागडोर दल गई अमन के समाज के फिर भी अमन के समाज जहाँ के तें बा और हमरे कौन भी व्यक्ति के जैसे एक गाड़ी के स्टीयरिंग यानी कि ओकर हैंडल कौन के ड्राइवर के चालक के धार जला यदि उस चालक अच्छा ना रहे अयोग्य रहे असक्षम रहे और सही ढंग से गाड़ी ड्राइव कर न सके ते गाड़ी एक दिन कोनो समय में जरूर एक्सीडेंट में पड़ सके दुर्घटना में पड़ सके वैसे हमारे समाज के बागडोर ऐसा व्यक्ति के आज तक देते आल गिला जौन कि हमन के समाज असल जगह पर यानी कि पुगे जगह पर न पुगा के दुर्घटना में पुगा रहल बाटे। कितना भी जो नेपाली में हमारे एक ठुकान कहा जला कि जति जोगी आए पनी कहानी चिड़िया यानी कि जितना भी व्यक्ति अने हमारे चांस डाल गिल उतना व्यक्ति उहे किस्म के बहने ते हमारे समाज परिवर्तन के लिए काकरे परी आज एक हमारे समाज से भी एक हमारे ऐसा सामाजिक अभियंता हमारे कह सकल जी और हमारे वहाँ की नौता डाल गिल बा आज हमारे बाटे नील यादव और जो कि वहाँ जनमत पार्टी के एक कार्यकर्ता होने एक महिला नेत्री नीलम यादव से हमरे लेके वहाँ से बातचीत करे कि हमन के समाज परिवर्तन करे के लिए कैसे नेतृत्व की आवश्यकता बा और हमन के समाज काहे आगे बढ़ नहीं सकत बा हमरे वहाँ से लेके चर्चा करे और हमारे कार्यक्रम में वहाँ की स्वागत कर लीजिए। कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा अति ऐसे आप ये राजनीति में प्रवेश कर गए और इससे पहले कौन क्षेत्र में आप कार्यरत रही इससे पहले? हम इससे पहले शुरू में हम शिक्षक पेशा में रही और वो शिक्षक पेशा में रहते हुए हमें यह देश में जौन भी मदेशी महिला और आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम दलित के ऊपर जो यह राज्य से विभेद कई गई ओकर हम महसूस कैली और हमें लगल कि हम यह उत्पीड़ित समुदाय के लिए कुछ कह सकीला। यही से हम माओवादी के शिक्षक संगठन में प्रवेश कैली और काम करे लगली। ओकरे बाद 2072-73 के पहचान सहित के
जौन पहचान के आंदोलन भइल ओमे हम सहभागी भइली और सक्रियता देखौली शिक्षक के तरफ से ही। ओकरे बाद हम जाके फिर राजीनामा देहली कुछ दिन के बाद और अपन सक्रिय रूप से हम राजनीति में आबद्ध भइली। हमार मेन मकसद यह रहल कि हम उत्पीड़ित समुदाय खातिर कुछ कह सकी। जैसे अब हमन के एक समाज में का भ्रम फैलत बा कि सब जने हमरे भोगल जाता देखल जाता जौन कि अब एक राजनीति काल के गंदा खेल हो चुकल बा और कितना जने बाटी अब राते रात ये राजनीति में लग के धन कमाए सफल बाटी यानी कि अब कौनो पेशा से धन कमा नहीं सकने चाहे एक ठो व्यापार लाइन हो या उद्योग के लाइन हो या कौनो भी पेशा हो वो पेशा से धन कमा न सके अब एक ठो एकदम सहज उपाय जौन कि पढ़े के भी नहीं पड़ी और उतना अनुभव भी नहीं चाहिए करते करते एक ठो राजनीति में अलग जही और ढेर से ढेर धन कमाए सफल हो जाइए जौन कि हमन के ये समाज भी गंदा करे के पुग चुकल बाटी ते वैसे ये उद्देश्य लेके आपते अब जैसे हमन के समाज में कोनो भी अब राजनीति के माहौल में हो या आगे पास भी हो कोनो कहे कि हम ई पार्टी में आपद बाटी और आजकल देखा जाता कि आज एक पार्टी में रही है फिर बिहान दूसर पार्टी में आबद हो जाइए तो ओखन के ठू मकसद का रहा कि हम अब मंच में आके ओखन के एक ठू जो भाषण रहला एक रहला फिर भी व्यवहार में जब निर्वाचित हो जाइए जनता उस सबके विश्वास के मत दे दीहें यानी कि निर्वाचित होने बाद जनता के मत के कदर नहीं करें ते वैसे अब कोनो भी व्यक्ति कोनो भी पार्टी में आबद बाटी ते ओखन से अब एक पार्टी में कोनो भी पार्टी में आबद रही हम समाज के लिए हाई करब कह के कहीं बकिन का ओखन के मन में दूसर रहला ते ये एजेंडा लेके ते ना आप अपन मन में ते ओके उहे आपके उद्देश्य लेके ते ना चल गए मैमा। नहीं बिल्कुल नहीं हमार बिल्कुल उद्देश्य नहीं हो और हमें पैसा कमाए के नहीं बा। हम पैसा अगर कमाए के रहत तो हम शिक्षक पेशा में रहबे कैली आज तलब भी बढ़ल बा और हम अपन अपन शिक्षक पेशा में रह के कुछ कह सकत रहली अगर पैसा देखल जाते ज़्यादा नहीं कह पौती लेकिन कुछ तो कह सकत रहली लेकिन हम पैसा मुँह माया नहीं कैली। हमें सिर्फ यह बा कि यह देश में जितना भी उत्पीड़ित समुदाय बा ओकरे हक अधिकार खरदीन उ लोग के पहचान खरदीन हमरे जैसन पढ़ल लिखल बेटी महतारी बहिन अगर घर में बैठ जाई हैं तो यह अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई के करी तो हम यह सोच के आगे बढ़ ली और हम राजनीति में लगल बाटी। हमारे एक मकसद बा कि उत्पीड़ित समुदाय चाहे पहाड़ के हों चाहे मधेश के हों चाहे हिमालय के हों सब उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार मिले के चाहिए इन्हें विभेद नहीं होवे के चाहिए और जब तक अधिकार मिली नहीं तब तक हमार संघर्ष जारी रही उ लोग के प्रति चाहे हमार जान भी चल जाए ओकर हमें कोनो गम नहीं बा। कोनो आप जातीय संगठन में आबद बाटी नहीं? नहीं हम कोनो जातीय संगठन में आबद नहीं बाटी। हमार मकसद यह हो कि अगर जे जातीय वाला राजनीति करता तो वो राजनीति नहीं करता उस सांप्रदायिक दंगा फैलावता। हम यह देश में बाटी हमारा पहला मकसद हो कि हम यह देश के जनता खरतीन चाहे जौन जात हो कुछ कह पाई और जात भात लेके हमें राजनीति नहीं करेगा बा। हमार यह देश के हरेक नागरिक हमार आपन हो हमार परिवार हो हमारे यह भावना बा और यह भावना लेके हम आगे चलत बाटी। बकिन का अब हमन के समाज में ऐसा व्यक्ति बाटे कि अपन जो समुदाय बा अपन समुदाय के ऊपर उठाए चाहे कि क्योंकि ओखन के भाषण भी रहला और ओखन के एक ठू मन के विचार भी रहला उद्देश्य भी रहला ते काहे आप ये एजेंडा लेके चल जाते थे? समुदाय अपन समुदाय सिर्फ उठौले देश के विकास नहीं हुई
एह देश में गरीबी, अशिक्षा, जौन भी बेरोजगारी लगायत के विभिन्न समस्या जौन बा, तो उन एक ठो समुदाय आगे बढ़ने से नहीं ना होई। हरेक समुदाय ए देश में रहे वाला, चाहे वो दलित समुदाय से हो, चाहे वो मधेसी समुदाय से हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हो, चाहे थारू समुदाय से हो, चाहे आदिवासी जनजाति काहे ना हो, चाहे महिला हो, सब अगर आगे उठी, सबके विकास होए हरेक स्तर से, तब जाके यह देश के विकास होई। एक समुदाय के विकास भइले से देश के विकास नहीं होई। ई रूढ़िवादी सोच हो, एके हटावल जरूरी बा। हमन के समाज में अब जो जनता बाटे, आम जनता विश्वास कई के अब ऐसनी मीठ मीठ भाषण जो नेता लोगन बाटे, ऐसनी मीठ मीठ भाषण सुना के जो जनता उखान के उखान से मात्र मुग्ध होके उखान के जो निर्वाचित के लिए बाटे ने जिता के जितैले बाटे, फिर भी पद में पुके भी कौनो काम करे नहीं सकत बाटे। ते जो अब जनप्रतिनिधि बाटे, अब कितना जने उल्लेखनीय काम कई चुकल बाटे, फिर भी अब हमन के ढेर से ढेर मात्रा में काम नहीं के लिए बाटे। और जब सत्य में ही यानी कि कुर्सी पर आ जाइए, ते जे उखन के नमस्कार करत बा और उखन के नमस्कार भी उखन के फरका भर के समय नहीं रहला। यानी कि और जो न व्यक्ति उखन के जितैले बा, वो व्यक्ति के लौट के भी ताकि उखन के अवस्था नहीं बा। दूसर बात कहल कि अब कौन भी जनप्रतिनिधि बाटे, चाहे अध्यक्ष हो पालिका के, चाहे उपाध्यक्ष हो या प्रतिनिधि हो, जब कुर्सी पर बैठ जाइए, ते हम कौन समुदाय से, हम कौन जगह से उठल बाटी और हमार पहले का अवस्था कैसन रहे, वो अवस्था में यहाँ तक हम कैसे पहुँचल, वो भी भूला जाने। ते एक ही आप कैसे विश्लेषण कर जी, एक तो सामाजिक अभियंता हो लेकिन आती। आपके प्रश्न एकदम सांदर्भिक बा, और आज तक यह होता आइल बा लगभग कि जौन जनता नेता के जितौलस, तो वह जनता के नेता लोग कदर नहीं करन, काहे नहीं करन है, ओमे भी कारण बा कि जनता के भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। जनता के ही सोचे के चाहिए, परख होवे के चाहिए कि हम के वोट दें, के हमन के गांव के समाज के विकास करी, और के भल आदमी बा, वह लायक बा, केकर छवि बढ़िया बा, बैकग्राउंड ओकर के बढ़िया केकर बा, के हमन के दुख दर्द भावना मर्म बुझ सकला। ये जनता के भी सोच के वोट देवे के चाहिए, और नेता के भी जब जीत के जाना है, तो ऊ लोग के लोकतंत्र में गणतंत्र में का बा, जनता आगे बा, आगे रखे के चाहिए। मूल मान्यता यह हो, जनता आगे रहला, लेकिन नेता लोग का करते थे, जनता के सत्ता पे आइले के बाद जनता के पीछे धकेल देते बाटे। ऐसन कितना दिन करी है, आ रही गई प्रलोभन दे के। एक तो प्रलोभन दे के जब चुनाव में जाता था, तो प्रलोभन ओमे का देत बटे, दारू मासु पैसा साड़ी पायल बाटत बाटे। तो जनता के सोचे चाहिए ना, जो आज खर्चा करत बाटे इतना, आखिर वो पैसा कहाँ से खर्चा करत बाटे, वो अपने घर से खर्चा करत बाटे, तो बिहान के जगह जगह ही पर हुई हैं तो असूल करी हैं, तो केकर काम ठप्प हुई, जनता के काम ठप्प हुई, जनता के विकास ठप्प हुई, समाज के विकास ठप्प हुई। ते में जनता सचेत हुई जरूरी बा, और नेता लोग के भी सचेत हुए परी, ऐसे कि जनता नहीं तो नेता नहीं। कितना दिन रही है नेता, 5 साल रही हैं, ओकरे बाद तो नहीं रही हैं, तो जनता सबक सिखाई ना 5 साल के बाद, सिखावत भी बा, जे बढ़िया काम करता ते रिपीट आवाता, जे नहीं काम करता जनता 5 साल में सबक सिखावाता। ते एकरे खातिर दोनों, चाहे जनता हो चाहे नेता हो, दोनों सचेत रहे चाहे, और
जब तक समन्वय होके एक दूसरे के मर्म और भावना बूझ के काम नहीं हुई तब तक कोनो भी सफलता हासिल नहीं हुई और वहाँ विकास भी नहीं हुई। हमार ये बात में कहा एक दूसर बात बाकी जैसे अब कितना जो नेता बाटी पाँच वर्ष की अवधि में कुछ काम नहीं के लिए बाटी फिर भी पाँच वर्ष अवधि में तो ढेर काला धन कमा चुकल बाटी और दूसरा चुनाव में भी वो सब हुए काले धन बिछा के फिर चुनाव जीतल के अवस्था बा हमन की समाज में ते एमा जिसे जनता भी बुझे के आवश्यक बा फिर भी जिसे हमन की अब समाज उत्थान के लिए हमन की समाज के जो अब व्यक्ति बाटी वहाँ के अब जीवन शैली परिवर्तन हो नहीं सकल बा और नेता के जो पाँच वर्ष के अवधि में जो कि आज एटू सस्ता चप्पल पहिर वाला बाटा चप्पल पहिर वाला व्यक्ति पाँच वर्ष के अवधि में महंगा महंगा कार से उतरत बाटी ते उतना धन कहाँ से आए एक जनता भी सोचे के आवश्यक बा और फिर भी हमन की जनता के एक बुझाए अनुसार हमन की समाज में कैसन नेतृत्व के आवश्यकता बा जैसा लागत आपकी विचार में तब कि हमन के समाज के जो अनुहार बा फरक हो सकी जनता के खातिर जे जनता के विषय में सोचे जनता के सुख दुख में साथ रहे जनता के जनता कैसी रोजगार पई हैं जनता के शिक्षा कैसी मिली स्वास्थ्य के विषय में सोचे पिए वाला पानी शुद्ध कैसी मिली सर सफाई के विषय में सोचे बाटो घाटों के विषय में सोचे ऐसन नेता अगर हमन के जनता चयन कह के पठावता अगर सचेत होता एक ह्यू खरतीन हमें लगला ये प्रशिक्षण विभिन्न संघ संस्था से प्रशिक्षण चलावे परी चेतनामूलक प्रशिक्षण तब जाके जनता सचेत हुई हैं और ऐसन नेता लोग जो स्वार्थी बाटे जो आपन सत्ता पौले के बाद फिर सिर्फ अपने हम ही खाई हम ही लगाई वाला जो प्रवृत्ति बा ओके हटा सकेलें सचेत भैले के बाद ही संभव बा जब तक चेतना नहीं रही जनता में तब तक ये चीज़ दोहरात रही हैं और अपने वोट के वहाँ मत के सदुपयोग नहीं हुई जनता के मत के नेता लोग दुरुपयोग करी हैं। हमन के समाज उत्थान के लिए जो न अब पुरुष के साथ में महिला भी कितना हर एक वर्ग के जो महिला बाटी हर एक समुदाय के महिला बाटी पिछड़ा बाटी और वहाँ सबके लिए अब जैसे कोनो हमारे पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहा जाए उस सब भी ध्यान नहीं देते बाटी फिर भी हमन की जनता कौन हिसाब से हमन के आगे बढ़ने पर हमन के समाज के जो अनुहार पर परिवर्तन हो सके कैसन कैसन कार्यक्रम हमन के कैली पर समाज में चित्रमूलक ताकि हमन के समाज आगे बढ़ सके यानी कि भी हमारे भी आगे बढ़ सकल जाके कि आपके कोनो ऐसन योजना बना लगी बा कि ऐसन योजना से हमन के समाज परिवर्तन हो सके जैसन। हाँ बिल्कुल हमन के हमारे विचार में कि जौन महिला जीतल बाटी सबसे बड़ा समस्या वहाँ का बा कि कितना महिला लोग मतलब जैसे शैक्षिक योग्यता ओ अनुसार के हमें लगला कुछ मतलब नहीं पहुँचल बा और उ लोग के उतना चेतना भी नहीं बा अभिन कि कैसी हमन के काम कइल जा कुर्सी तो मिलल बा लेकिन अभिन जैसे नया नौ सीखवा रहे वही टाइप के लोग बाटिन अभिन उ लोग के खुद प्रशिक्षण चाहिए कि राजनीति में जगह में पहुँचने के बाद स्थानीय स्तर पे काम कैसी कइल जाला बजट के विनियोजन कैसी कइल जाला बजट कैसी चलावल जाला कौन कौन महिला खातिर कैसी कइल जाला ये कुल काम अभी उन लोग के जानकारी अपने ही चाहिए वहाँ कमी बा और हमारे विचार में ये लगला कि वो लोग कुछ फंड अपने पालिका से महिला खातिर हमें लगला छुट्टियाल भी रहला लेकिन वो लोग खुद छुट्टिया के अपन जो गांव समाज में महिला हमन के मधेश में तो और दिक्कत व महिला निकारल घर घर में जाके कहीं जुटावल चहल जाए तो फिर भी मुश्किल बा
कि घर घर में जाके घर के भीतर जाके महिला लोग के चार ठू घर के महिला लोग एक जगह रख के अमन के एक ठू जैसे बोला के जैसे घर में पहले रहल नहीं कि मेहरारू एकजुट होके कचहरी करें कुछ बातचीत करें गीत गवल हो नहीं ओ टाइप के अपने गांव घर में महिला लोग जुट के अपन यही विषय में छलफल करें राजनीतिक विषय में समाज के विषय में विकास के विषय में तो हमें लगाला ज़्यादा उपलब्धि रही। हाँ ते अब चुनाव ते लंबे बा हमारे ख्याल से फिर भी जो अब इतना समय में जो उत्पीड़न जनता पार्टी हमन के महिला दीदी बहनी पार्टी ओखन के लिए कौन समस्या पर ले पर कितना आप सहयोग के हिसाब से आगे बढ़ जाता। हाँ हम तो हमेशा कहीं भी हम बोली ला मंच से भी बोली ला तो हम दिल से बोली ला ये नहीं बा कि मंच पे दूसर बोल ली और काम दूसर करी। हमेशा हमें महिला लोग से एकदम आंतरिक हृदय से जुड़ाव रहा ला और महिला लोग के हमेशा हम कहल चाहिला कि आप लोग के कौनो भी समस्या पर चाहे अपने घराइसी समस्या काहे ना पर घराइसी सामाजिक राजनीतिक रूप से कौनो भी समस्या पर तो हम हमेशा आप लोग हमें याद कइल जा हम उपस्थित हो जाबे और बेझिझक आप लोग अपन बात रखल जा। और रह गई एक बात हम बतावल चाहत बटी कि हम अपन कितना नेता लोग रहें कि अपन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना लेकिन हमार मोबाइल हम कब्बो स्विच ऑफ करके नहीं रखी ला चाहे जब हम अपन मोबाइल ऑन रखी ला और हम सबसे कही ला कि आप लोग कभी भी हमें फ़ोन कह सकल जाला रात बिरात इना संकोच मानल जाई हमार काम हो हम जनता के सेवक हुई तो हमार 24 घंटा हम चौकीदार के हिसाब से आप लोग के हम सेवा में तत्पर रहब ये हमेशा कहिला हम। जो अंतिम अमन के निर्वाचित प्रतिनिधि बाटी और वहाँ सबके का सुझाव देख चाहल जी जौन के हमन के विकास निर्माण के काम में ध्यान नहीं दे बाटी और अपन व्यक्तिगत हिसाब से वो सब आगे बढ़ बाटी उस सबके खातिर जो अखन के एक व्यक्तिगत स्वार्थ बा उ स्वार्थी नेता के लिए कुछ कह संदेश देख चाहल जी। बिल्कुल हम यह कहब जनप्रतिनिधि लोग से नेता लोग से कि पहले नंबर तो जनता नहीं तो नेता नहीं आपके पीछे जनता नहीं रहते कैसन नेता आप अकेले रह के नेता हम नेता हुई कहले तो नहीं हुई तो जनता अगर चाही तबे आप नेता बन पावल जाए आपके जनता चाहले बा तो आप अपने जगह के उस सत्ता के दुरुपयोग ना कइल जा सदुपयोग कइल जा जनता के हक हित में काम कइल जा नहीं तो आपके 5 साल में जनता एकदम सबक सिखेबे करी ओकरे बाद आपके जरूरी एहसास हुई कि हम का कैले रहली और का करत रहली आ का करे चाहत रहे तो एम्हे अभिन भी समय बा आप लोग नेता लोग जनप्रतिनिधि लोग सतर्क हो जाइल जा कि आप लोग जनता के आगे रखल जा अपने आगे न रहल जा जनता के मर्म भावना अनुसार काम कइल जा। हाँ और जनता बाटे जो हमन के अब कितना जने लालच में फंस के अब कितना जने भरम में पड़ के दूसरे के दबाव में आके जो हमारे गलत व्यक्ति के नेता चुनल गल फिर भी अब हमारे कुछ पैसा के लालच में भी अब खान पीन में भी लग के जो हमारे नेता के कौन व्यक्ति के नेता बना गए फिर भी हमन के आवाला जन पीढ़ी बाटे उखान के भविष्य बिगड़ जाते बाद उखान के वो जैसन व्यक्ति बाटे उस जनता के लिए कौन संदेश देखता जी जे अपने भ्रम में बाटी या लालच में फसल बाटी जनता उ जनता के लिए हम यह कहल चाहब कि आप लोग आपन कैसे बितावल गई आपके बीतत बा एक एक दिन लेकिन आपके बाल बच्चन के भविष्य का होत बा अंधकार में आप लोग खुद धकेलल जाता मदेश के ही स्थिति देखल जा मदेश के मुद्दा के बात बा ओह आंदोलन में मदेश के मुद्दा खरतिन बहुत
भाई बहन लोग शहीद हो गए हैं। इस संविधान भी जौन लिखल बा जौन भाई बहन लोग के एक एक खून के बूंद से लिखल बा इस संविधान, त हमन के हक अधिकार यह मदेश के एजेंडा का हो, हमन के कौने खर्तिन आंदोलन कई लहल गए, कौने खर्तिन हमन के बेटी बेटा शहीद हो गए हैं, बलिदानी दे दे हैं, हमारे यह देश में उत्पीड़ित बाटी काहे बाटी देखल जा। नागरिकता सवाल भी, नागरिकता के सवाल भी जो के तो बा जौन जन्म सिद्ध के नागरिकता जौने सबके बनल बा, तो उ लोग के बाल बच्चे सज्ञान हो गई हैं, बढ़हान हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है, एक ठू खाता नहीं खोल पावाटे, कहूँ रोजगारी नहीं पावाटे, बहुत से समस्या झेलत बाटे। हमन के पास आवन है क्वेश्चन करल है, लेकिन हमरे जवाब का दिहल जा, जब सरकार के नीति ही गलत बा, इस सरकार के नीति गलत बा। और हमन के मदेश में का कह जला, मदेश में हमन के सचेत नहीं हो पाओल जाता जनता, वोट का कह जाता के देवे के चाहिए के दे दिहल जाता प्रलोभन में आके, कहूँ व्यक्ति के अंदर में रह के ओकरे कहले चल जाइल जाता, कहूँ प्रलोभन में मासू दारू के पीछे चल जाइल जाता, कहूँ पैसा के पीछे चल जाइल जाता, कहीं साड़ी लत्ता के पीछे चल जाइल जाता। हम विशेष महिला लोग से और का कहल चतबटी कि आप लोग महतारी होवल जाला, आप लोग अपने बच्चा के जन्म दिहल गइल बा, अगर वो गिर पड़ता तो आपके कितना दर्द होला, आपके वो बच्चा के खर्तिन आपके आंसू गिर जाला कि हमारा लड़का चोटा गई, लेकिन यह देश में ही अपने बाल बच्चन के हमन के मुड़ी नीचे कही दिहल जाता, अधिकार ना मिल पावाता, तो वो बताओ जो उम्मे कितना बड़ा हमन के महतारी लोग के भूमिका बा, पीड़ा हो कि नहीं हो, तो एक सोची महतारी लोग के और ज़्यादा सोचे जरूरी बा, एमे सतर्क होवल जा। हम सब महतारी लोग से हाथ से आज जोड़ के विनती करल चाहत बाटी कि आप लोग सचेत हो जाइल जा और पहचान कईल जा कि वोट के दिहल जा कि हमन के बेटी बेटन के अधिकार मिले और हमन के बेटी बेटा यह देश में सर ऊंचा कह के चल सकें। आप कार्यक्रम में अमूल्य समय दलगिल आपके रीति से धन्यवाद देख जाता। ऐसे आज हमारे बातचीत कल गए नीलम यादव जो कि जनमत पार्टी के कार्यकर्ता एक सामाजिक अभियंता हमारे ऐसे बातचीत करते विद्यालय समय हो गई बातें और कार्यक्रम में शाद दल गल हृदय से धन्यवाद। ऐसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण के बीच धन्यवाद और आज हमन के अतिथि वहाँ की फिर से धन्यवाद दी। देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन, हम संचालक भी राज विधायक साहब, नमस्ते।